दोबारा से मेकअप होगा तो ऑफ कोर्स हम उस पर मेकअप दोबारा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ही गंदा लगता है, तो इसलिए हमने पूरा मेकअप जो है वो साफ़ कर दिया है। लेंस भी उतार दिए थे क्योंकि इत्तेफाकन हुआ मेरे साथ ऐसा कि जब मैं वाइप कर रही थी अपने फेस को तो लेंस मेरा खुद ब खुद गिर गया और मैं अपनी आँखें देख रही, एक आँख काली एक आँख लेंस वाली, कहाँ गया लेंस? मुझे लगा शायद नीचे चला गया ऊपर चला गया, लेकिन देखा तो नीचे ही पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने दोनों लेंस निकाल दिए, इसको साफ किया, मैं दोबारा से लेंसेज लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ड्रेस जो कि अब मैं पहनने वाली हूँ। हेयर इट इज गाइज, व्हाट अ प्रीटी शर्ट माशाल्लाह। ये ड्रेस है हार शकील का, बहुत ही प्यारा सा, साथ ही साथ ये फर्शी शरारा है इस पे। हम्मा कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही प्यारा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि साइज बड़ा है। मैंने तो स्मॉल साइज मंगवाया था लेकिन ये मुझे मीडियम साइज लग रहा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आपको क्या लगता है, मीडियम साइज या स्मॉल साइज? लार्ज लग रहा है, देख सकते हैं आप। मीडियम है, मीडियम। वैसे गला इसका बहुत बड़ा है और बहुत सारे कपड़ों के गले बहुत बड़े थे, लेकिन आपकी बहन उसको पिंस लगा लगा के छोटा करती रहती थी, क्योंकि बड़े गले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए इसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। सो ड्रेस चेंज करते हैं, उसके बाद हमारा होगा मेकअप स्टार्ट। तो ड्रेस चेंज करके आप लोगों से मिलते हैं। तो मैंने ड्रेस जो है वो चेंज कर लिया है गाइस, और बहुत ही मुश्किल से सेट किया है, बट है अभी जो है मेकअप स्टार्ट करने लगा है। मेकअप जो हो जाएगा उसको थोड़े से वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बट पैट पैट जो फुल लुक होगा वो प्रॉपर देखना आप लोगों को शो करूँगी। सो गाइस मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही मुश्किल से मैंने फ़ोन उठाया बगैर देखे ऑन किए वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हो रहा है मेरा आई मेकअप और पता नहीं क्यों मेरी आंखों से बहुत पानी आ रहा है। ओ गाइस, ये हमारा खाना दोबारा से आ चुका है, हैदराबाद का मशहूर पुलाव जो कि हुसैन ने भेजा है और मम्मा को बहुत ही पसंद है। ये अम्मा ने फरमाइश करके मंगवाया है, है अम्मा? बहुत अच्छा लगता है आपको? अम्मा कह रही है मुझे तंग नहीं करो, मुझे खाने दो। ये तो बस क्या बोलो, शर्म कर लो, तुम्हें खाने को मिल रहा है, हर चीज हो रही है, फिर भी तो बोल रहे हो मैं थक गया। खाओ आराम से, मजे से खाओ। मैं भी खा रही हूँ, रायते भी आ चुके हैं, थैंक यू। मेरे मामा कमल, लुक का मेकअप जो है वो हो चुका है, अब जो है स्टाइलिंग होगी एंड लेट्स सी के बालों में क्या बनता है एंड ज्वेलरी पहनने के बाद कैसा लुक आता है। यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइलिंग होना स्टार्ट हो चुकी है गाइस। पहले उन्होंने मुझे ज्वेलरी पहनाई और ऐसा ही होता है जो भी शूट होता है, हेयर स्टाइलिंग से पहले ज्वेलरी पहनाई जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि माला पहननी चाहिए क्या नहीं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि पहन लें, बारात लुक है तो बहुत अच्छी लगेगी, तो इसलिए आके मैंने पहन ली। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत 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 प्यारी ज्वेलरी थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। खैर लुक तो आप लोगों ने इंस्टा पे देख ही लिया है, व्लॉग थोड़ा लेट है लेकिन मैंने सोचा था कि व्लॉग जब मैं शेयर करूँगी तो पूरा डिटेल व्लॉग शेयर करूँगी, तो इसलिए हेयर इट इज गाइज, एंजॉय।
एक तो आपकी बहन की नोज पियर्सिंग नहीं हुई भी तो बहुत मुश्किल से यू नो क्लिप से पहनी थी नथ, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये सच बताऊँ तो ये बुखारी एसेसरीज के सेट में नहीं थी शामिल, मैंने काशी से स्पेशली ये नथ ली थी और ये बहुत प्रिटी लग रही है। सो गाइज आई एम फुली रेडी एंड हियर इज माय फाइनल लुक। और अभी जो है सफेद दुपट्टा कुछ पिक्चर्स में पहनाएंगे, कुछ पिक्चर में नहीं, और ये अभी हम थोड़ी देर में उतार देंगे, कुछ पिक्चर्स नथ के साथ कुछ पिक्चर्स नॉर्मल होंगी। सो अब हम देखते हैं कि कैसे शूट होता है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है, मतलब रात के 1 बज चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारा शूट वाइंड अप कब होता है, तो आप लोग भी तैयार हो जाएंगे जानने के लिए। 2000 years later. अभी का थक गई है शूट करवा करवा के, थक गई नहीं। सो ड्रेस मेरा है हारिश शकील का, बहुत ही प्यारा सा, बहुत अच्छा काम हुआ था इस पर, दुपट्टा बहुत प्यारा था और ये लुक बहुत अच्छी निकल के आई। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन विद द शूट। और टाइम बाय टाइम भाई 3 बज गए हैं, आप लोग के सामने 3 बज चुके, कुछ हो चुका है। और अभी मैं एक टिकटॉक बनाई, क्योंकि हमने पहले वाले लुक में टिकटॉक बिल्कुल भी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों बनाई, सारे लुक में टिकटॉक बना ली जाए। आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? अब मैं टिकटॉक बना दी, फिर मिलते हैं। अब सारी ज्वेलरी जो है वो उतर रही है, नथ की वजह से निशाना है, ये देख सकते हैं आप। नहीं हैवी ज्वेलरी थी लेकिन इंतहा से ज़्यादा हसीन ज्वेलरी। पहला लुक ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला लुक ज़्यादा अच्छा लगा, या दोनों ही अच्छे लगे? प्लीज़ 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 ज़रूर बताएगा, क्योंकि हमेशा मैं अपने फैंस को बोलती हूँ जो भी लुक होता है आप लोगों ने बताना है, आप लोगों ने बताना है कैसी लगी, कैसे वो मुझे बताया ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो इस बार भी मुझे इंतज़ार रहेगा कि मेरे फैंस मुझे फीडबैक। सो गाइज डन विद एवरीथिंग, और फेस भी मैंने वॉश कर लिया, हेड वॉश भी कर लिया, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर घर जाने लगी हूँ। अब हम लोग ट्रैवल करेंगे कराची, और इस वक्त बज रहे हैं रात के 4, और 4 बजे हम लोग निकलने लगे, क्योंकि बाबा वहाँ पर परेशान हो रहे हैं, जल्द से जल्द निकलने, हमें नहीं पता था कि इतना टाइम लगेगा, हमें लगा था मैक्सिमम 12 बज जाएंगे, बट ज़्यादा टाइम हो गया था, अभी हम बस निकलने लगे हैं। मम्मा भी बिल्कुल रेडी हैं, पढ़ रही हैं, दुआएँ बहुत सारी। भैया बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और ये क्या चीज़ है, ये क्या है भाई? ये बॉम्बई बेकरी है, हैदराबाद की सौगात है। अच्छा, ये बहुत मशहूर है, मतलब ये केक ना। अच्छा, हैदराबाद का केक बहुत मशहूर है, तो मैंने गिफ्ट किया। वैसे कि कैसा लगा आप लोगों को, टेस्ट करके बताएं हम आपको। हाँ बताइएगा, अब स्पेशलिटी तो अच्छी होगी ना। हाँ इंशाल्लाह, डन हो गया। थैंक यू सो मच, मैं इसकी ज़रूरत नहीं थी, आपका अखलाक ही काफ़ी था, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत हम कंफर्टेबल थे, और जितनी प्यारी आप पिक्चर्स वीडियोस में लगती हो उतनी ही प्यारी हो। थैंक यू सो 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 मच, इतने प्यारे अल्फाज में थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। चले मम्मा, बहुत लंबा सफ़र था, और रात का सफ़र था, ओह गॉड, बहुत ख़तरनाक होता है। लिटरली मुझे इतनी नींद आ रही थी, लेकिन मैं सो नहीं पाई पूरे रास्ते, क्योंकि वो इतना ख़तरनाक लग रहा था कि मेरी आँख जा रही थी, वहाँ मेरे कानों में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, अजीब ही खौफ था। खैर अब बस घर जाके सोएंगे, बहुत बहुत शदीद थकन हो गई, बहुत मुश्किल होता है एक दिन में 2 शूट करना, वो भी सुबह से जाग कर बग़ैर सोए। बस खैर हो गया अब तो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़।
नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से।